के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां पर बालोद में धान खरीदी में हर गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम दावे बेदम साबित भी हो रहे हैं। खासतौर से बालोद की बात की जाए तो दरअसल जिले के सोरर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी होने के बाद अगले ही दिन किसानों के धान के बोरे खुले में पाए गए। जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और फिर धान में रेत मिलने की पुष्टि हुई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब अधिकारी जांच करने पहुंचे तो 123 धान बोरों की सिलाई खुली हुई थी, लेकिन जांच में ग्रामीण विस्तार अधिकारी ने 114 बोरी धान का ही पंचनामा तैयार किया, जिससे किसान खासे नाराज बताए जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। वहाँ बैठा था, उसके बाद ग्राम सेवक आए, मैडम आए यहाँ से, क्या कहने प्रबंधक, तो यहाँ पे और दो चार किसान आए थे, उसे देखा कि इसमें धान ऊपर में रेती दिख रहा था। उसके बाद उसके प्रबंधक को आया, उसको कांटा करवाने के लिए बोले दो किसान लोग, तो उसमें वजन कम आया। जानकारी होने के बाद मैं तुरंत यहाँ पहुंचा सोरर सोसाइटी, जिस समय मैं मौजूद था वहाँ, वहाँ पर मौजूद अधिकारी ग्राम सेवक इस जोन का वो स्वयं थी, और 123 कट्टा कुल धान में सिर्फ 14 कट्टा का कार्रवाई बनाया गया है। ये सोरर सोसाइटी है और यहाँ मामला धान खुला था, उसमें ऊपर से रेत देखा गया, उसमें रेत, और उसके बाद अधिकारी द्वारा यहाँ तौलाया गया तो उसमें वजन कम पाया गया। तो उसको उस समय किसान लोग बोले कि नहीं, इसको तुरंत साफ करवाइए, रेती को अलग करवाइए, तो वो जो बोरे में धान थे उसको तिरपाल बिछा करके उसको खाली कर रहे थे साफ करने की। इस तरह की जानकारी मिली है और सूचना भी प्राप्त हुई है कि गुरूर ब्लॉक का जो सोरर धान उपार्जन केंद्र है, वहाँ धान के कुछ बोरों में रेत मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर यह बताया गया है कि 14 बोरों में धान के बोरे में रेत मिले हैं। इसकी जांच करने के लिए तहसीलदार को सोरा रवाना किया गया है, जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। रोहित चंदेल सहयोगी जुड़ गए हैं बालोद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रोहित, जांच और कार्रवाई के आदेश निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई, क्या जांच में अब तक पाया है, कितने दिनों में ये जांच पूरी होगी? एसडीएम जो हमारे यहाँ वाजपेयी सर हैं, उनके द्वारा एसडीएम मैडम और तहसीलदार को जांच टीम बनाया, जांच के लिए भेजा गया है ना, वो जल्द ही रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई जुटेगी। ये जो पूरी जो लापरवाही है, इसका ठीकरा किसान किस पे फोड़ रहे हैं, कहाँ से ये मिली भगत हुई है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, किसानों द्वारा तो समिति प्रबंधक के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है ना। पूरा मामला जो है वो शुक्रवार के धान बेचा गया था किसानों के द्वारा, जो शनिवार को किसानों को धान की बोरी खुली पाई जाने पर प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद एके वाजपेयी जो हमारे यहाँ अपर कलेक्टर हैं, उन्होंने जांच टीम भेजी, तो जांच में धान की बोरी में धान की मात्रा भी कमी पाई गई और रेत का मात्रा भी पाया गया है। क्या कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस तरह की अनियमितता और लापरवाही को लेकर? जी, इसमें प्रशासन का आगे की कार्रवाई के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। ये जो धान खरीदी के जो प्रबंधक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं प्रबंधक पर? प्रबंधक अपने आप को तो इस मामले से दूर ही रख रहे हैं, किसी भी प्रकार के बोलने के लिए वो मना ही कर रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी क्रम में रविवार को शिवपुरी के पोहरी में अतिक्रमण पर जेसीबी चली। एसडीएम और तहसीलदार ने संयुक्त कार्रवाई करने से 3 दिन पहले अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन अभी भी अतिक्रमण नहीं हटा, लिहाजा इस मरतबा अतिक्रमण पर जेसीबी चलवा दी गई है।